विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर एडिटर एसोसिएशन ने किया राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी का भ्रमण। खबरों के सिलसिले में बात करते हैं बीकानेर से, जहां पर विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुक्रवार को बीकानेर एडिटर एसोसिएशन ऑफ न्यूज पोर्टल्स के पदाधिकारियों व सदस्यों ने राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर के कार्यालय का अवलोकन किया एवं डिजिटल मीडिया की उपयोगिता पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन भी किया। इस दौरान अकादमी सचिव शरद केवलिया ने अकादमी के प्रकाशनों तथा गतिविधियों के बारे में अवगत करवाया। संवाद श्रृंखला कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर डॉक्टर मेघना शर्मा रही। उन्होंने कहा कि डिजिटल मीडिया पत्रकारिता का भविष्य बहुत ही उज्ज्वल है, ऐसे में इस माध्यम से पत्रकारिता कर रहे लोगों को निरंतर अपना अपडेशन करते रहना होगा, तभी इस माध्यम की सार्थकता सिद्ध होगी। और कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में डिजिटल मीडिया का दायित्व तो बहुत ही अधिक बढ़ गया है, जिस पर खरे उतरने का समय है। उन्होंने बीकानेर की साहित्यिक एवं पत्रकारिता परंपरा की तारीफ करते हुए कहा कि पुरुषोत्तम केवलिया से लेकर बजरंग शर्मा एवं अनेक पत्रकारों ने इस परंपरा को कायम रखने के लिए अपना सब कुछ नौछावर कर दिया। मैं कभी नहीं कहूंगी कि कोई भी पत्रकार नेगेटिव ज्यादा होगा, अपनी इच्छा के विरुद्ध वो कुछ ऐसा लिखता होगा जो गलत हो, वो हमेशा आईना दिखाने का ही। आज एक आर्टिकल मैंने पढ़ा, एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार ने जो लिखा है कि पत्रकारों को पत्रकारिता को स्वयं आईना देखने की जरूरत है। और कुछ पत्रकारों को मैं यहाँ मिस भी कर रही हूँ, पता नहीं वो मेंबर नहीं बने हैं। कार्यक्रम के दौरान राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के सचिव एवं कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि शरद केवलिया ने पत्रकारिता की चुनौतियों पर बोलते हुए कहा कि साइक्लो स्टाइल प्रिंटिंग प्रेस के युग से लेकर वर्तमान डिजिटल पत्रकारिता के दौर तक पत्रकारों ने लगातार मिशन पत्रकारिता को मजबूत किया है, इसलिए आज पत्रकारिता जिंदा है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को और भी चुनौतियों का सामना करना है, इसलिए उन्हें तैयार रहना होगा। जो पीआरओ वाला दायित्व है उससे मैं दूर हूँ, अभी पब्लिकेशन में हो गए, और एक मैंने लंबा समय पीआरओ ऑफिस में गुजारा है। और मेरे को ये हमेशा लगा है, ये किताबी बात नहीं है, मुझे व्यक्तिगत रूप से लगा है कि पत्रकारिता समाज का दर्पण ही नहीं है, उसे मार्ग दिखाने वाली पहचान भी है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ऐसे ही नहीं कहा गया। आज एक आम आदमी बेबस आदमी वो कहाँ जाएगा, उसकी सुनवाई का पत्रकार ही करेंगे, उसके बाद वही बनेंगे। एसोसिएशन के संरक्षक नीरज जोशी ने अतिथियों का स्वागत करते हुए संगठन की गतिविधियों की जानकारी दी। अध्यक्ष आनंद आचार्य ने भरोसा दिलाया कि डिजिटल पत्रकारिता के माध्यम से अधिक पीड़ित और वंचित लोगों को न्याय दिलाने का प्रयास किया जाएगा, साथ ही पत्रकारों को परीक्षित भी किया जाएगा। संगठन सचिव विनय थानवी ने पत्रकारों से आह्वान किया कि नए सदस्य सीखने की प्रक्रिया को निरंतर जारी रखें। पत्रकार रोशन बाफना ने पत्रकारों से सही दृष्टिकोण की विशालता की अपेक्षा करते हुए सत्य के साथ रहने का आग्रह किया। संवाद श्रृंखला के दौरान बीकानेर एडिटर एसोसिएशन ऑफ न्यूज पोर्टल्स की ओर से डॉक्टर मुदिता पोपली, साहिल पठान, मनोज व्यास, विजय कपूर, योगेश खत्री, सतवीर बिश्नोई, यतेंद्र चड्डा, राहुल मारवा आदि ने भी कार्यक्रम में अपने विचार रखे। हम आपको बता दें, इस पूरे कार्यक्रम का संचालन शिक्षाविद महेंद्र सिंह शेखावत ने किया।